ऋषिकेश हरिद्वार लोकसभा सीट का एक मुख्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ऋषिकेश की जो पहचान देश दुनिया में है उस पहचान को यहाँ के नेताओं ने ठेस पहुंचाई है। 5 साल हो गए, कोई भी बता दे कि यहाँ पर किसी ने देखा हो यहाँ के सांसद जी को, क्या चल रहा है? हम वोट किस लिए देते हैं आपको कि आप हमारे यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे? आप तो यहाँ पर आते भी नहीं, दिखते भी नहीं, 5 साल के बाद आते आप आते हो। मुझे लगता है कि हम ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पर काम करे, तो मुझे लगता है कि उमेश जी मुझे लगता है कि डेवलपमेंट कर पाएंगे और समाज में काम कर पाएंगे, इसलिए मैं उनके साथ। खानपुर विधायक उमेश कुमार ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने महंत लोकेश दास से मुलाकात करी। महंत लोकेश दास ने उमेश कुमार जी का स्वागत अंगवस्त्र पहनाकर और पगड़ी पहनाकर किया। इसके बाद उमेश कुमार जी ने अपने हाथों से कराटे में चैंपियन रहे सभी युवाओं को सर्टिफिकेट भी वितरित किए। ये ऋषिकेश हरिद्वार लोकसभा सीट का एक मुख्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ऋषिकेश की जो पहचान देश दुनिया में है उस पहचान को यहाँ के नेताओं ने ठेस पहुंचाई है। इसे शराब नगरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मांस मदिरा यहाँ सीमाओं पर प्राप्त हो जाता है। आप ऋषिकेश की सीमाओं पर जाइए, आपको शराब और मांस मदिरा सब मिल जाएगा। नशे का व्यापार यहाँ गलियों गलियों में चल रहा है, लेकिन राजनेता खामोश हैं। ऋषिकेश को एक अच्छा स्टेडियम, सुविधाओं से लैस स्टेडियम हम नहीं दे पाए। हमने अपने युवाओं को हम एक अच्छा स्टेडियम नहीं दे पाए। 20 साल से लगातार एक स्टेडियम को लेकर घोषणाएं की जा रही थी, उसके संबंध में आश्वासन दिए जा रहे थे। हमने उस स्टेडियम का शिलान्यास भी किया और कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते में हम ऋषिकेश नगरी के युवाओं को एक बहुत बेहतरीन और शानदार स्टेडियम सौंप देंगे, ताकि यहाँ की प्रतिभाएं निखर सकें, बच्चे खेल कूद सकें और उत्तराखंड का नाम देश दुनिया में ऊंचा कर सके। देखिए, लोकेश दास जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, कोई आज राजनीतिक रिश्ता नहीं है। महामंडलेश्वर हंसदास जी मेरे गुरु समान थे, उनके साथ मेरा बहुत आत्मिक लगाव था। कभी वो देहरादून आते थे, मुझसे मिले बिना वापस नहीं जाते थे। हम लोग दिल्ली में भी साथ रहे, कई बार हम लोगों ने कई यात्राएं की। वो मेरे पिता तुल्य भी थे, मेरे गुरु तुल्य भी थे, तो ये मेरे गुरु भाई हैं। तो इनके साथ मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, पर लोकेशानंद जी की अपनी एक पहचान है। वो बहुत सज्जन और सरल व्यक्ति हैं। उनके भाषणों को कभी आप सुने या उनकी बातों को सुने तो आपको ये महसूस होगा कि वो राजनीतिक बात ना करके वो इस उत्तराखंड के हित की बात करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उत्तराखंड के लिए अगर अच्छा कर रहा है तो मैं उसके लिए हर तरीके से उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो उनकी ये जो भावना है राजनीति से हटके, वो संत होने के नाते नाते समाज के संरक्षक भी हैं, और संरक्षक होने के नाते वो इस धर्म नगरी का, इस राज्य के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं। उनकी बेहतर सोच है और किसी भी बेहतर काम करने वाले को वो समर्थन देने को तैयार रहते हैं, चाहे उमेश कुमार हो चाहे कोई और। इसके लिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज उन्होंने अपने इस आश्रम में मुझे बुलाया, सम्मानित किया, सम्मान दिया, तो मैं अपने गुरु भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ और सदैव उनसे मैं प्रेरणा लेता रहूंगा, और उनका सहयोग भी मुझे हमेशा और आशीर्वाद चाहिए। देश की गलियों से सबसे पहले नशा, शराब, मांस मदिरा खत्म किया जाएगा। उसके बाद युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। अच्छे स्टेडियम, जो स्टेडियम, उनको सुसज्जित करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही उच्च स्तरीय स्टेडियम के साथ साथ एक जिम का भी प्रावधान लाएंगे स्टेडियम में। इसके अलावा गंगा जी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, साफ स्वच्छता को बनाए रखने के लिए भी लगातार कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो क्षेत्र इस ऋषि के से अलग अलग इसके बॉर्डर पर, सीमा पर जुड़े हुए हैं, जहाँ विकास की आज भी कमी है, बहुत सारी जगह, आज मैं एक जगह गया था, वहां पर
भल्ला फार्म के पास में गली नंबर 3, वहां पर सड़क 8 साल से वो लोग सड़क पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं 300 मीटर की, पानी नहीं है पीने के लिए। और सैनिकों के परिवार हैं, उनके पति सेना में है और वो सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं, यहाँ उनकी पत्नियों को पीने के लिए पानी नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं है। एक सैनिक की माँ जिनका बच्चा सीमा पर है, बुजुर्ग महिला 80 साल की, मुझसे कहती है कि एक दिन मेरे पैर में सांप चिपट गया था, पानी मैं पानी में से चल के जा रही थी, बच गई। बोली जब भी पानी भरता है मेरे पोते बच्चे यहाँ पे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, शर्मनाक है ये। देखिए उमेश कुमार जी से मेरा संबंध आज का नहीं है, पूज्य गुरुदेव महाराज जी से बचपन के मित्र हैं, पूज्य गुरुदेव महाराज जी के बचपन के मित्र हैं और हमारे गुरु भाई हैं, तो हम अपने लोगों के साथ खड़े होने में कोई बुराई नहीं है, उनको मेरी जरूरत होगी तो मैं हर जगह स्टैंड करूंगा उनके साथ। आप जब वोट लेकर कहीं से जाते हो तो लोगों की ना एक चाह होती है कि आप हमारे यहाँ का डेवलपमेंट कर गए, आप तो यहाँ पर आए नहीं, 5 साल हो गए, कोई भी बता दे कि यहाँ पर किसी ने देखा हो यहाँ के सांसद जी को, क्या चल रहा है, हम वोट किस लिए देते हैं आपको कि आप हमारे यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे, आप तो यहाँ पर आते भी नहीं, दिखते भी नहीं, 5 साल के बाद आते आप आते हो। तो मुझे लगता है कि हम ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पर काम करे, तो मुझे लगता है कि उमेश जी मुझे लगता है कि डेवलपमेंट कर पाएंगे और समाज में काम कर पाएंगे, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। मैं कहता हूँ और नेताओं को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर कैसे काम किया जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ हूँ और मेरी उनको कहीं भी जरूरत, मैं देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, मैं समाज का सदस्य हूँ। अगर कोई समाज में अगर अच्छा काम करता है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैंने बहुत हो गया बिना देखे वोट देना किसी व्यक्ति के बारे में, बिना देखे हम पार्टी का वोट बटन दबा देते थे ना, वो बहुत हो गया। हम आपको वोट दें और आप यहाँ आओ ना समाज में काम ही ना करो, तो बहुत हो गया। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो समाज में काम कर सके, और मुझे लगता है उमेश कुमार जी अच्छा काम करेंगे। गली गली में ठेके खुल गए हैं, बताओ अभी एम्स के पास ठेका खुल गया है, गंगा जी के किनारे ठेके खुले हैं, ये तो आप सब देख ही रहे हो, आपके सामने ही है सब चीजें, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और अगर देवभूमि में ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा। और खेलने की समस्या, एक मैदान था, इतने सालों से सरकारें थी, किसी ने नहीं किया, वो उमेश जी को आकर करना पड़ा। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि ऋषिकेश की जनता के लिए उन्होंने उन्हें कुछ काम करके दिखाया।